बनवाने और सबको पैसा जाता है शराब, मंत्रियों को, विधायकों को, सबको। गढ़ हो गया है ये उत्तर भारत, उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर। हर दो दिनों के बाद, एक दिनों के बाद लाश ही लाश। नीचे कीजिए ना, हड्डी भी इतना लाश। हाजीपुर मुजफ्फरपुर में तो लाश आज तीन दिनों से, कभी गोपालगंज, कभी सिवान, कभी बीतिया। और सरकार मस्त है, विपक्ष मस्त है। कोई फॉर्म हाउस में सो गया चुनाव के बाद, और कोई कोबर घर में सो गया। चुनाव खत्म, बिहार की 12 करोड़ जनता खत्म, बिहार बाहर, हिंदुस्तान से। बस चुनाव तक ये इस्तेमाल करेंगे, चुनाव में ये शराब परोसेंगे, चुनाव में ये गांजा भांग बैठना परोसेंगे, चुनाव में ये कोरेक्स परोसेंगे। नाश कर दिया इन लोगों ने, इसलिए लड़ाई बिल्कुल आर पार की है। आप डीएसपी से लेकर के दरोगा, चौकीदार, दफेदार को डिस्चार्ज करिए, उसको जेल भेजिए, जिनसे दो का मुकदमा लगाइए, और जनप्रतिनिधि के पूरे संपत्ति की जांच करिए, और सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी प्रतिनिधियों का ब्लड टेस्ट हो कि ये लोग डेली दारू पीते हैं, सिपाही से लेकर के ऊपर तक डेली टेस्ट हो, और किसी भी कीमत पर। यदि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले देसी शराब को नष्ट नाबूद करें। देसी शराब जिस पंचायत में बनता है, वहाँ के दफेदार को, वहाँ के चौकीदार को, उस इलाके के एमएलए को, वहाँ के मुखिया को, वहाँ के सरपंच को, वहाँ के पंचायत समिति को, वहाँ के वार्ड सदस्य को, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख को, वहाँ के थानेदार को, वहाँ के इंस्पेक्टर को, और वहाँ के डीएसपी को निरस्त करें, और उस पर मुकदमा दर्ज करें। या नहीं तो आप विदेशी इंग्लिश शराब को आपने बंद किया, यदि इंग्लिश शराब भी आप खोलना भी चाहेंगे अब, तो देसी आप बार बार कहते हैं भैया 6 लाख आदमी को आपने जेल भेज दिया, जो कभी जेल नहीं जाता गरीब आदमी, तो थाने को भी पैसा दिया, दूसरी तरफ वकील को भी पैसा दिया, आप तो उसमें भी हमारे फैमिली को बर्बाद कर दिए, दूसरी तरफ हम आर्थिक रूप से भी गए, और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और परिवार भी मेरा बिखर गया, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी मौत भी हो गई, हम जेल भी चले गए, हमारा घर भी सील हो गया, माफियाओं का घर सील नहीं होगा। जहां पर दारू पकड़ा जाएंगे, गोदाम पप्पू यादव का होगा, पप्पू यादव गिरफ्तार नहीं होंगे, गिरफ्तार होंगे वहां जो चौकीदार रहता है उसको। थानेदार को आप एक साल में करोड़ों रुपया कमा लेता है थानेदार, और एक महीना सस्पेंड करके 10 लाख रुपया लेके दूसरा थाना दे देते हैं। थानेदार को क्या आप सस्पेंड क्यों कर रहे हैं, आप डिस्चार्ज क्यों नहीं करते? सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं है। एक महीने के बाद फिर 1 करोड़ में 10 लाख निकाल दिए, 90 लाख तो बचा। अब कौन सा कानून बनाना चाहते हैं? कार्यपालिका के पहले विधायक, विधायकपालिका की जिम्मेदारी तय करिए, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय करिए। जब जनरल योजना में लूट में आप मुखिया को, हम लोगों को आप सस्पेंड कर रहे हैं, आप उनको बर्खास्त कर रहे हैं, उस पर एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर शराब पर क्यों नहीं, जब ये सबसे बड़ा कानून है आपका? या नहीं तो 80% टैक्स कर दीजिए इंग्लिश शराब पर, और ब्लॉक और जिला में 4 जगह, जिले में 1 जगह, ब्लॉक में पंचायत को एकदम कम्प्लीट दूर रखिए। लेकिन पंचायत में यदि वाइटनर जाएगा, कोरेक्स जाएगा, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो गए, बेरोजगार लड़का आज लेबर बॉय बना हुआ उसको जेल भेजते हो, लेकिन बड़ी बड़ी माफिया, बड़ा बड़ा मछली, कतला मछली, रेहू मछली, ये पोठिया, चेंगुर, मांगुर को आप क्या करते हो? तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।